सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास की हकीकत जाननी हो तो सूबे की राजधानी से सटे सीतापुर जनपद चले आइए, जहां आवाज के लिए एक दिव्यांग दंपति विगत एक वर्ष से अधिकारियों की परिक्रमा करता चला आ रहा है, परंतु उसे आवास आज तक नहीं मिल पाया है। दिवंगत दंपति पर किसी अधिकारी को तरस नहीं आ रहा है। परसिंडी ब्लॉक के ग्राम शेखापुरवा निवासी दिव्यांग सुरेंद्र कुमार का कहना है कि वो अपने परिवार के साथ झोपड़ी में गुजर बसर कर रहा है। पात्र होने के बाद भी उन्हें आवासीय योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। सुरेंद्र का कहना है कि वह कई बार जिलाधिकारी की चौखट पर माथा टेक चुके हैं, परंतु कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ऐसे में ये सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को शासन की योजनाओं का लाभ मिलने की जमीनी सच्चाई क्या है। शुक्रवार को एक बार फिर डीएम दफ्तर में हाजिरी लगाने सुरेंद्र कुमार पहुंचे। जिलाधिकारी से मुलाकात न होने पर उन्होंने अपनी अर्जी कार्यालय में लगा दी है। इस बार उनकी अर्जी पर सुनवाई होती है या नहीं, ये तो बाद में पता चल सकेगा। इस बीच आई इंडिया से अपना दर्द बयां करते हुए सुरेंद्र कुमार ने बताया, परसेंडी ब्लॉक सिखवापुर से हम आए हैं और यहाँ आवास के लिए एक साल हो गए। डीएम साहब वहाँ आते आते हम आवास की मांग करते हैं, लेकिन हमारा कोई कागज कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और हम पति पत्नी दोनों लोग विकलांग हैं, एक मड़ैया में बसर करते हैं। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।